भाई फायर टीवी स्टिक के अंदर ना अपने को कुछ ऐसे हिडन फीचर मिलते हैं जिसके बारे में अपने को पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये फीचर मैंने ढूंढ लिया है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन फीचर और शॉर्टकट की बताने वाला हूं जिससे फायर टीवी को यूज करने का एक्सपीरियंस आपका टोटली चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को यहां पे पूरा एंड तक देखना। तो अपना जो पहला हिडन फीचर है ना भाई, काफी लोगों को इस बारे में पता नहीं है, वो है ओटीजी कनेक्शन। भाई अपन फायर टीवी के अंदर ना यहाँ पे पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। काफी लोगों के दिमाग में अभी भी ये बात है कि फायर टीवी के अंदर तो यूएसबी पोर्ट है नहीं, तो अपन पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नली डिवाइस को अपन फायर टीवी के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, एक ओटीजी केबल आती है अमेजोन पे, वो आपको 300-350 रुपए में मिल जाएगी और उसके अंदर ना अपने को यूएसबी का पोर्ट मिलता है। तो आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर एक्सटर्नली डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस और भी काफी सारे डिवाइस होते हैं, उन सभी को फायर टीवी के अंदर यूज भी कर सकते हो यार। अब अपना जो दूसरा यहाँ पे फीचर है ना भाई, ये काफी कमाल का है, ये है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिलेटेड। काफी लोग अभी भी कंफ्यूज है यार और मुझे ना रेगुलर कमेंट आते रहते हैं इस बारे में कि हम फायर टीवी के अंदर यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं क्या। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फायर टीवी लाइट है या थर्ड जनरेशन है या भी 4K है, कोई भी फायर टीवी आपके पास होना उसके अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, इनफैक्ट एंड्रॉइड की सारी एप्लीकेशन अपन इंस्टॉल करके यूज भी कर सकते हैं फायर टीवी के अंदर। और तुम भी देख सकते हो कि जियो टीवी को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने फायर टीवी के अंदर, और ये तो जाहिर सी बात है कि जियो टीवी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, तो इसको यूज करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन आपको फायर टीवी के अंदर यूज करनी ना, उसको आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शेयर टू टीवी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, ये आपको फायर टीवी के ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको कुछ डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ऑन करना पड़ेंगे और ये बात अच्छी तरीके से समझ लेना अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, उसके बाद जो अबाउट वाला ऑप्शन है ना भाई, इसके ऊपर कम से कम 9 बार क्लिक करना पड़ेगा आपको। 9 बार क्लिक करने के बाद डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा। फिर डेवलपर ऑप्शन में जाके आपको अननोन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन मिलेगा उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आपको मिलेगी सबको आपको ऑन कर देना है। तो इसके बाद ना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपन इंस्टॉल कर पाएंगे फायर टीवी के अंदर। और ये ना मेथड बहुत ज्यादा इजी है यार, मतलब कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप कर नहीं पाओ। और हाँ भाई एक रिक्वेस्ट है, इस टाइप के जो हिडन फीचर वाली वीडियो होती है ना या फिर टिप्स एंड ट्रिक वाली, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। अब भाई अपना जो थर्ड फीचर है ना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा अपने लिए। बेसिकली ये ना एक रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन है फायर टीवी की। देखो अपने को पता है कि इस टाइप का जो रिमोट आता है ना फायर टीवी का, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता है, करीबन 1500 रुपए का ये रिमोट है फायर टीवी का। अगर ये घूम जाता है या फिर खराब हो जाता है ना, तो 1500 रुपए आपको बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जिसका नाम है फायर टीवी ऐप। अब एक बात ध्यान रखना, मोबाइल को और फायर टीवी को आपको सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे मोबाइल है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एज ए रिमोट की तरह। अब अपने को रिमोट के अंदर जितने भी बटन मिल जाते हैं ना वो सारे आपको अपने मोबाइल के अंदर मिल जाएंगे, इनफेक्ट नेविगेशन बटन भी आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि अपने को एलेक्सा भी मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप एलेक्सा को भी कंट्रोल कर पाओगे। अब एक सरप्राइज वाली बात है कि अपने को कीबोर्ड तो ऑब्वियसली मिलता नहीं रिमोट के अंदर, लेकिन इस एप्लीकेशन के अंदर अपने को कीबोर्ड भी मिल जाएगा। तो आपकी कुछ ऐसी जरूरत है ना जहाँ पे आपको टाइप करना हो कीबोर्ड से, तो वो भी इजीली कर पाओगे यार। तो कोई भी ऐसे मेन्यू में हो आप जहाँ पे आपको टाइप करना है ना, तो मोबाइल की मदद से आप प्रॉपरली यहाँ पे टाइपिंग कर पाओगे। ये रिमोट के अंदर नहीं मिलता है अपने को, बट मोबाइल की मदद से आप यहाँ पे टाइपिंग को प्रॉपर कर पाओगे। कीबोर्ड के आपको यहाँ पे सारे बटन मिल जाएंगे भाई। और हाँ भाई, अगर आपको अपनी फायर टीवी को ज्यादा लंबे टाइम तक चलाना है ना, तो मैं 3 ऐसी टिप आपको देने वाला हूँ वीडियो के एंड में जिससे आपकी फायर टीवी ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी, तो उस वाले पार्ट को मिस मत करना यार। अब भाई अपना जो यहाँ पे चौथा फीचर है ना, ये एक तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करता है। देखो फायर टीवी स्टिक जो है ना, ये हाईएस्ट 1080p को सपोर्ट करती है, फायर टीवी लाइट और थर्ड जनरेशन। अब यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे एक छोटा मॉनिटर है या फिर एक छोटी सी टीवी है, तो उनको रेजुलेशन की यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से ना काफी लोग यूज नहीं कर पाते फायर टीवी को अपने एलईडी टीवी के अंदर। तो बेसिकली एक शॉर्टकट बटन मैं आपको बताता हूँ जिससे आप इसके रेजुलेशन को यहाँ पे प्रॉपर सेट कर पाओगे। और ये जो रेजुलेशन है ना, ये ओवरऑल फायर टीवी की रेजुलेशन है, ना कि सिर्फ वीडियो की। यहाँ पे आपको जो रिमोट मिलता है ना उसके अंदर आपको दो बटन को एक साथ प्रेस करना है। पहला तो है यहाँ पे रिवाइंड का बटन, उसके बाद यहाँ पे जो टॉप वाला बटन है ना, इन दोनों को आपको यहाँ पे प्रेस करना है 5 सेकंड के बाद। उसके बाद आपको एक मेन्यू मिल जाएगा अपनी स्क्रीन के अंदर, और ये जो मेन्यू है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होएगा। पहले तो यह 1080p पिक्सल पे चलेगा, फिर 720p पे, फिर 480p पे। तो जिस भी रेजुलेशन पे आपका एलईडी इसको सपोर्ट कर जाती है या फिर जो भी रेजुलेशन आप यहाँ पे सेट करना चाहते हो ना, बस आपको यहाँ पे बटन को दबा देना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी फायर टीवी उस रेजुलेशन पे यहाँ पे सेट हो जाएगी। इस रेजुलेशन को सेट करने के बाद आप इसको हर टाइप के डिवाइस में यूज कर पाओगे। इनफैक्ट वो जो 17 इंच के मॉनिटर आते हैं ना उसके अंदर भी आप इस फायर टीवी को इस्तेमाल कर पाओगे, और जो पुरानी डब्बा टीवी आती है ना उसके अंदर भी यूज कर पाओगे अगर आप इसको 480p पिक्सल पे सेट कर देते हो तो। तो ये बहुत काम का फीचर है भाई, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक तो कर सकते हो ना यार। अब अपना जो 5वां नंबर का फीचर है ना भाई, ये बेसिकली फीचर नहीं बोलेंगे इसको, अपन एक डिवाइस बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पे पुरानी डब्बा टीवी है जिसे अपन सीटीआर टीवी बोलते हैं। तो भाई फायर टीवी उनके अंदर भी यहाँ पे सपोर्ट हो जाती है, लेकिन आपको एक डिवाइस की जरूरत होगी, बेसिकली एक
HDMI कनेक्टर आता है जिसके अंदर आपको एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा और एक 3RC पोर्ट मिलेगा। तो HDMI का जो आपको पोर्ट मिलेगा ना, इसके अंदर आपको 5DB को कनेक्ट कर देना है और 3RC के थ्रू आपको यहाँ पे आउटपुट ले लेना है और 3RC को आप डायरेक्टली CRT TV के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो इस फायर टीवी स्टिक को ना आप अपनी पुरानी टीवी के अंदर भी इस्तेमाल कर पाओगे यार। तो ये कनेक्टर आप बाय कर लेना, अमेजोन पे मिल जाएगा, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप खरीद सकते हो इसको और पुरानी टीवी में भी यूज कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। अब अपना जो 6th नंबर का फीचर है ना भाई, ये स्पीड से रिलेटेड है। क्योंकि देखो फायर टीवी जो है ना, मैं मानता हूँ कि यार रेगुलर इसके अपडेट आते रहते हैं, बट कई बार ना एप्लीकेशन प्रॉपर काम नहीं करती है या फिर अपने को उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं मिलती जितने कि अपने को पहले दिन मिलती थी। तो बेसिकली आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना जिसके अंदर एप्लीकेशन अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है या फिर बहुत स्लो यहाँ पे ओपन हो रही है, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो अपनी फायर टीवी को रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करना बहुत आसान है, बस सेटिंग वाले बटन में जाके आपको इसको रिबूट कर देना है। रिबूट करने का मतलब यह है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ होके स्टार्ट हो जाएगी और जितनी भी बग्स है ना वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। और हाँ भाई, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसको रीस्टार्ट करना है, रीसेट नहीं करना है। अगर रीसेट कर दोगे ना तो ये फायर टीवी तुम्हारी पूरी साफ हो जाएगी, फिर मुझे मत बोलना कि भैया आपने तो ऐसा बताया हमें। ऑलराइट, अब अपना जो यहाँ पे 7th नंबर का फीचर है ना भाई, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब देखो भाई, इसका जो होम पेज है ना उसके अंदर अपने को अलग अलग टाइप की रिकमेंडेशन मिलती है जिसमें मूवी शो और OTT प्लेटफॉर्म के सारे कंटेंट आते हैं। तो अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ना इन मूवीज से रिलेटेड या शो से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपको दो बटन यहाँ पे एक साथ प्रेस करके रखने हैं अपने रिमोट के अंदर, पहला तो है रिवाइंड बटन और दूसरा है फॉरवर्ड बटन। जैसे आप किसी भी मूवी पे जाके या फिर शो पे जाके इन दोनों बटन को एक साथ दबाओगे ना, तो एक पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको बेसिक डिटेल पता चलेगी, जैसे कि IMDB रेटिंग पता चल जाएगी और कब ये मूवी बनी थी, मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, ये सारी बातें आपको पता चल जाएगी। तो यार ये वाला जो फीचर है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है। इनफैक्ट मैं भी इसको यूज नहीं करता, बट ये फीचर भी अपने को इसके अंदर मिलता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था बस। अब भाई अपना जो 8th नंबर का फीचर है ना, ये बहुत ज्यादा एडवांस है और मुझे पता है कि आप में से काफी लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा, इनफैक्ट मुझे भी अभी पता चला है। अगर आप इस रिमोट का ओके बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबाओगे और उसके बाद अगर आप जैसे ऑप्शन वाले बटन को दबाओगे ना, तो एक यहाँ पे सिस्टम मेन्यू ओपन हो जाएगा भाई, जिसके अंदर कितनी रैम आपकी कंज्यूम हुई है, कितनी रैम फ्री है, ये आपको यहाँ पर मॉनिटर होता रहेगा। कौन से रेजुलेशन आप इसको यूज कर रहे हो, साथ में कौन सी रिफ्रेश रेट में आपकी LED वर्क कर रही है, ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। और आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होगी अपनी LED स्क्रीन के अंदर। तो ये ना बेसिकली एक डेवलपर ऑप्शन होता है जिसके अंदर आपको एक्स रे का एक ऑप्शन मिलता है, तो इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एक तरीके से ये सिस्टम हिडन इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो ऑप्शन होगा ना जिसके अंदर आपको अलग अलग सेटिंग मिलेगी, तो बाकी किसी भी और सेटिंग को मैं छेड़ना, अगर सिर्फ आपको सिस्टम मॉनिटर करना है ना तो एक्सरे वाले सेटिंग को ही छेड़ना, और अगर तुम ना दूसरी सेटिंग को छेड़ दोगे और कुछ हो जाता है ना, तो मेरी इसमें कोई जवाबदारी नहीं भाई। ऑलराइट, अब अपना जो यहाँ पे 9th नंबर का फीचर है ना, इसमें मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। एक्चुअली हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट करा था कि यार ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। और उनकी प्रॉब्लम यह थी कि उनको कलर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आई है या फिर कलर उतने शार्प उनको मिल नहीं रहे जितने के मिलने चाहिए। तो इसकी एक सिंपल सी सेटिंग है, आपको यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऑडियो वाले ऑप्शन में जाना है, कलर डेप्थ का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे सेट करना है अलग अलग बीट में, 8 बीट, 32 बीट आपको मिलेगा। जितनी बीट आप यहाँ पे बढ़ाओगे ना, कलर आपको उतने एक्यूरेट और उतने डीप मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलर डेप्थ यहाँ पे पसंद आता है। और इसी सेटिंग के अंदर ना वीडियो के रेजुलेशन को भी आप चेंज कर सकते हो मैनुअली, ये सिर्फ वीडियो रेजुलेशन को चेंज करता है भाई, ये बात ध्यान रखना। और अपना आखिरी और सबसे मेन फीचर है ना, वो एलेक्सा से रिलेटेड है। तो अपने को भी पता है कि अपने को अमेजोन फायर टीवी के अंदर एलेक्सा मिलता है जो बहुत ज़्यादा एडवांस है भाई, लेकिन अपन इसको कस्टमाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से जिसका नाम है एलेक्सा, और इसकी मदद से ना आप काफ़ी सारे फीचर को यहाँ पे चेंज कर पाओगे, जैसे कि लैंग्वेजेस है, रिस्पॉन्स टाइम है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप देख सकते हो यार। इन सभी ऑप्शन को आप कस्टमाइज कर सकते हो बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर तुम यहाँ पे एलेक्सा को ज़्यादा यूज़ करते हो ना फायर टीवी के अंदर, तो एटलीस्ट ये वाली एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लेना भाई। अच्छा, आपके साथ मैं कुछ टिप यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जिससे आपकी फायर टीवी ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सर्विस देगी। सबसे बड़ी टिप यह है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो एक गलती करते हैं फायर टीवी के साथ, इसके अंदर अपने को ना एक एडाप्टर मिलता है और उसी एडाप्टर से काफ़ी लोग इसको यूज़ नहीं करते, वो अपने LED के पीछे जो USB पोर्ट होता है ना उसके थ्रू इसको करंट सप्लाई देते हैं, मतलब उसके थ्रू यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, आपको यहाँ पे एडाप्टर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एडाप्टर एक सेफ वर्ड में करंट का आउटपुट देता है जिससे आपकी फायर टीवी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। और दूसरी टिप है यहाँ पे स्पीड से रिलेटेड, फायर टीवी में ना अपने को रेगुलर अपडेट मिलते हैं और ये सबसे खास बात है फायर टीवी स्टिक की। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि जितने भी अपडेट आपको मिलते हैं ना उस पर आप अपडेट कर लेना फायर टीवी को, तो आपको स्पीड में ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अपडेट करने के बाद सारी प्रॉब्लम सारी बग यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो आप जो भी लेटेस्ट अपडेट आपके पास आया है ना उसको यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेना अपनी फायर टीवी के अंदर। और तीसरी और सबसे मेन टिप ये है यार कि फायर टीवी को अपन डायरेक्टली बंद नहीं कर सकते, खासकर फायर टीवी
लाइट को। तो इसका ना एक सिंपल सा रास्ता यह है कि जब भी आप फायर टीवी को यहाँ पे बंद करो ना, उससे पहले उसको एक बार स्लिप ऑफ कर लेना। स्लिप करने का तरीका बहुत आसान है यार, सिंपल से अपने को बटन को प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पे एक स्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्लिप करने के बाद आप अपनी फायर टीवी को यहाँ पे बंद कर देना, मतलब फायर टीवी को तो क्या बंद करोगे, एलईडी को बंद करना पड़ेगा आपको। तो इससे होगा ये कि जो भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रनिंग है ना, वो डायरेक्टली यहाँ पे करप्ट नहीं होगी और आपकी फायर टीवी में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो 3 टिप है ना, इसको आप फॉलो करना, ये हाईली रिकमेंड मैं आपको करूँगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी सवाल हो सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि कमेंट में सारे पढ़ता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।